So as we already discussed in first part of this series, the objective of this series, the second objective was the scope of English literature and the significance of English literature. This is the second part of that series, and we are going to elaborate the significance of English literature. So let's briefly explain the scope of English literature. Basically, literature introduces us to new world of other realities. कि लिटरेचर क्यों पढ़ा जाता है या इसकी अहमियत क्या है, तो सबसे पहली अहमियत इसकी यही है कि लिटरेचर जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि नई दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं, जो दुनिया की रियलिटीज़ हैं, मतलब इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाता है. अदर इज मोटिवेट अस टू रीड क्लासिक वर्क, मतलब जो पुराना लिखा जा चुका वर्क, मतलब हिस्टोरिकल वर्क, उसको पढ़ने की तरफ हमारी तवज्जो वो करवाता है और मोटिवेट करता है कि हम उसको पढ़ें और उसके अंदर से जो फैक्ट्स हैं वो उनको हम तलाश करें और सीखें. एंड इनेबल अस टू एंजॉय इट्स वेरियस काइंड लाइक कॉमेडीज एंड ट्रेजडीज इन जॉनर्स ऑफ स्टोरीज, प्लेज एंड पोइट्रीज. लिटरेचर इज़ वर्थी टू अस एज इट टॉक्स टू अस ओइंग टू इट्स यूनिवर्सल अपील एंड दस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइव्स. एंड लिटरेचर इनेबल पीपल टू अटेन अवेयरनेस अबाउट डिस्टिंक्ट सोसाइटीज एंड कल्चर. क्योंकि जो लिटरेचर है या लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है या कोई भी लिटरेचर है, उसका ताल्लुक ह्यूमन लाइफ के साथ होता है, ह्यूमन ट्रेडिशन या कल्चर या कह लें कि सोशल लाइफ के साथ होता है. तो उससे हमें अवेयरनेस मिलती है. अगर हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उससे ह्यूमन सोसाइटी की जो कह लें कि कल्चर और ट्रेडिशंस होती हैं, उनसे हमें हम अवेयर हो जाते हैं. द स्टडी एंड रीडिंग ऑफ लिटरेचर कैन ट्रांसफॉर्म ह्यूमन थिंकिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग. कि जो ह्यूमन थिंकिंग है, अगर हम किसी और लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं. फॉर टू रीड मोर एंड मोर लिटरेचर and can make them more articulate writers and speakers. मतलब उनके अंदर ऐसी abilities पैदा हो जाती हैं कि वो भी writers और speakers बन सकते हैं और अच्छा content produce कर सकते हैं. Literature gives human being new insights to many hidden aspects of life. जो क्योंकि ये एक कह लें कि इंटरकल्चर और इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है इंग्लिश. अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो डिफरेंट कह लें कि कल्चर के हिसाब से हम उसको अगर देखेंगे तो वो हमें ज़िंदगी के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स मतलब एक्सप्रेस हमारे सामने करेगा जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे. क्योंकि एक सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है उसमें हम अपने नज़रियात के मुताबिक लाइफ को इंजॉय करते हैं, गुजारते हैं, और जो दूसरा है किसी और नेशन का है या किसी और कल्चर का है तो उसका तो अलग होगा ना. तो जब हम वो देखेंगे तो फिर हमें कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ नज़र आएंगे. लिटरेचर क्रिएट इंटरेस्ट इन बुक्स एंड गिव्स रीडर्स टू द एक्सपोजर टुवर्ड वाइडर रेंज ऑफ मटेरियल फॉर रीडिंग एंड इंस्पायर ह्यूमन बीइंग टू बी एक्टिवली एंगेज्ड and creative process both intellectually and emotionally. Simply अगर हम देखें तो जो literature है ना, उससे हम हमारा first of all तो interaction होता है other communities के साथ. जब literature हम पढ़ते हैं तो हम किसी और culture को पढ़ रहे होते हैं, हम किसी और story को पढ़ रहे होते हैं, हम किसी और historical facts को पढ़ रहे होते हैं. तो उसके साथ हमारा जो अदर कल्चर है या कह लें कि अदर कम्युनिटी है, उसके कल्चर के साथ हमारा इंटरेक्ट हो रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें लिटरेचर देता है. उसके बाद जो हमारे लैंग्वेजेस बैरियर्स होते हैं, मतलब एक लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो उर्दू और पंजाबी है. तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश सीख भी रहते हैं. जो हमारे बैरियर्स होते हैं इंग्लिश सीखने और बोलने के, वो भी हमारे ख़त्म हो रहे होते हैं. और
नेक्स्ट हमें नॉलेज भी हम गेन कर रहे होते हैं अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस, मतलब नॉलेज हम वो ले रहे होते हैं जो अक्रॉस द टाइम इस लिहाज से कि हम जो भी लिटरेचर पढ़ेंगे या तो वो पहले प्रोड्यूस हो चुका होगा या वो कोई हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि लिटरेचर तो वो चीज़ है ना जो लिखी जा चुकी है, और लिखी जा चुकी जो चीज़ें हैं वो पहले की लिखी जा चुकी हैं और पहले की कल्चर्स और सोसाइटीज़ के मुतल्लिक हैं। तो उससे हमें हम प्रेजेंट दौर में बैठकर, अभी बैठकर मॉडर्न दौर में हम क्लासिक लिटरेचर अगर पढ़ते हैं तो हमें क्लासिक हिस्ट्री मालूम होती है कि वो किस तरह के लोग थे, वो किस तरह से उनकी लाइफ थी, वो क्या लैंग्वेज बोलते थे और उनके लाइफ स्टाइल्स क्या थे। मतलब ये कि हम जो नॉलेज है वो अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस हासिल कर सकते हैं थ्रू लिटरेचर। नॉलेज ऑफ ग्लोबल इश्यूज़, जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं मोस्टली लिटरेचर लिखा जाता है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, और जब भी हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो एक ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर बात करता है और उससे हमें ग्लोबल इश्यूज़ का पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम उससे दुनिया की हिस्ट्री को जान सकते हैं कि दुनिया के किस कोने में, किस खित्ते में क्या क्या हो रहा है और दुनिया की हिस्ट्री क्या है, लोग कहाँ से पैदा हुए थे, कहाँ, मतलब ये दुनिया किस तरह बनी थी, इस चीज़ के भी जो फैक्ट्स हैं हम वो थ्रू द लिटरेचर, ओल्ड लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर, थ्रू द साइंटिफिक लिटरेचर हम ये देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स लिटरेचर का ही है जिससे हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंस है इसके। और उसके बाद हम सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू अपने आप को डेवलप करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आ जाएगा। तो जब बंदे के पास नॉलेज आ जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद गेन करना शुरू कर देते हैं हम। डिवेलपमेंट ऑफ इंटलेक्ट, जब हम डिफरेंट किस्म के कल्चर को द सेम लिटरेचर पढ़ेंगे तो फिर हमारे अंदर जो है इंटलेक्चुअली हम अपने आप को डिवेलप करेंगे। तो ये सिंपल सी अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये चार पांच जो फैक्ट्स थे मेनली, कि एक तो हमारा एक्सपोजर करवाता है अदर कम्युनिटीज़ के साथ, दूसरा हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जान लेते हैं, तीसरा जो हमारी थिंकिंग पावर है, जो ह्यूमन थिंकिंग है, वो क्रिटिकल थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड उसके बाद हम टाइम और स्पेस के मतलब उसके जो कह लें कि बैरियर्स हैं उनसे क्रॉस करके हम चीज़ों को देख सकते हैं, और ऐसे लेंस हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के, उनके थ्रू अगर हम देखते हैं तो चीज़ों को हम क्रिटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर का जो स्कोप है या अहमियत है।